मध्य प्रदेश के पवित्र दिगंबर जैन तीर्थ कुंडलपुर में रविवार को उस समय नया इतिहास रचा गया जब 18 युवा ब्रह्मचारियों ने आचार्य श्री के क्षुल्लक दीक्षा लेकर घर का त्याग कर दिया। 176 युवतियों ने भी भगवान आदिनाथ की पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी बनकर आचार्य श्री से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर स्वयं के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आचार्य श्री ने आज अपने 6 शिष्यों को निर्यापक मुनि बनाकर उनके पृथक संघ बनाने की घोषणा की है। महोत्सव में आज तप कल्याणक के दिन देश विदेश एवं प्रदेश से लाखों से अधिक लोग पहुंचे। धार्मिक अनुष्ठान आदि कुमार को हुआ वैराग्य। आचार्य श्री ने दी दीक्षा। पंच कल्याणक महोत्सव में सुबह 6 बजे से ही प्रतिष्ठाचार्य विनय भैया के निर्देशन में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ। सुबह अभिषेक शांति धारा के साथ नित्य पूजन किया गया। इसके बाद आचार्य श्री की पूजन हुई। आचार्य श्री ने संक्षिप्त प्रवचन में कहा कि महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग आए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में देवगण भी बैठे हैं। यह देव अपनी विक्रिया रिद्धि से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि महोत्सव में सभी लोग समा जाएंगे। आचार्य श्री से व्रत लेने के बाद अब यह बहने आरिका श्री आदर्शमती माताजी के संग में रहकर प्रतिभा स्थली में शिक्षण कार्य करेगी। संभवतः यह सैकड़ों वर्षों बाद सुनने में आया है कि एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में बहनों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया हो। दमोह जिले के कुंडलपुर से आशीष सहले की रिपोर्ट। अमाप सागर महाराज, अमाप सागर महाराज जी, विरल सागर महाराज, विरल सागर महाराज जी, इस प्रकार इनके नामों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जब कभी भी आहार की चर्या इनकी कराएंगे उस समय इनको इसी शब्द के साथ संबोधन करेंगे। कुछ समय लगेगा फिर बाद में करने लग जाएंगे। अपने घर में जैसे दो दो नाम रखते हैं वैसे हमने दो दो नाम नहीं रखे हैं। हाँ, एक ही नाम रहेगा तो याद करने में भी मजा रहेगा। अब ये ध्यान रखो, भिन्न भिन्न संघों में इन ब्रह्मचारियों को वितरित करके हमने इनको तैयार किए। हमने तैयार नहीं किए किंतु आए थे, इनको उचित समझ करके भिन्न भिन्न संघों में भेज करके समय सागर जी के पास, योग सागर जी के भी पास, और हाँ वीर सागर जी महाराज जी के पास आदि आदि में भेजा था। आगे इसी प्रकार जैसे जैसे निर्यापक हैं उनके पास भी इसी प्रकार की व्यवस्था होगी ताकि और पचासों पचासों जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनको बहुत बोझ खेद हो रहा होगा। लेकिन क्या कहें, हमारे पास कोई किसी को नहीं रखा, 3-4 महाराजों को रखा है। आगे मैं अपनी साधना के लिए तत्पर हूँ और ये सारे के सारे मिलकर संभालेंगे, ऐसे आशा। गत साल 2 साल पूर्व में निर्यापकों को प्रारंभ किया था घोषित करने का। उसके आगे भी ललितपुर में पंच कल्याणक हुआ था उस समय। उसी प्रकार आज भी यह उपक्रम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए सुविधा रहेगी। मेरे लिए तो और श्री आदिनाथ ने धाम से क्यों नियम के बोलिए, कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, बीना बारा के परम उपकारी मुनि श्री शांतिनाथ भगवान की जय, चैतन्य चमत्कार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, निर्यापक समय मुनि श्री समय सागर जी महामुनिराज की, भाषल मूर्ति पद पुरुष मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, मंच पर विराजमान ज्येष्ठ मुनि राजाओं की, नगर गौरव पूज्य मुनि श्री ओमकार सागर जी संस्कार सागर जी महामुनिराज की,
आर का नाम गुरुमती माता जी, द्रमती माता जी की जय, भावनामती माता जी, सदामती माता जी की जय। कम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खवंतु में, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। इस जीवन में परिवार वालों का बहुत बड़ा उपकार रहा है, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। सब सर्वप्रथम मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आचार्य गुरुवर का, जिनके आशीर्वाद से मुझे 6 वर्ष तक हथकरघा में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हीं की देख रेख में मैं वहां बड़ा हुआ और उसके बाद में योग सागर महाराज के छत्र छाओं में शिक्षा प्राप्त कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।